चाहूँगी, हम लोग भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज मैं फिर से बना रही हूँ इल्सा फिश बना रही हूँ मैं। इधर जस्ट मैंने नमक डाल के रखा है और इधर येलो और ब्लैक राई सरसों है, इधर दो हरी मिर्ची है और इधर कलौंजी है। सबसे पहले मैं कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डाल दूँगी। आज मैं थोड़ा सा फिश को फ्राई करके बना रही हूँ। इल्सा को थोड़ा सा हल्दी लगा के फ्राई कर लेंगे। और एक चीज़, इधर मैं दोनों मिक्स करके बना रही हूँ, येलो और ब्लैक मस्टर्ड पेस्ट कर लेंगे और इधर धनिया और पुदीना का चटनी बनाएंगे। तो चटनी बना के और ये पेस्ट करके दोनों होने के बाद आप लोग को दिखाएंगे। तब तक फिश फ्राई हो जाएगा, तेल अच्छे से गर्म हो गया। तेल में डाल देंगे पहले थोड़ी सी हल्दी, नहीं तो ये फिश फ्राई करेंगे ना तेल बहुत ऊपर आता है। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा लाल कर लेंगे। आज थोड़ा मैं अलग टेस्ट का बना रही हूँ, इसमें आज कुछ भी नहीं डाला, जस्ट नमक और हल्दी डाला। तो तेल अच्छे से कढ़ाई गर्म हो गया, अब इसमें फिश डाल दें। तो जैसे ही एक साइड हल्का सा लाल हो जाएगा फिर उसको पलटी करके दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। ये जब तक फ्राई हो रहा है तब तक मैं इसको थोड़ा ढक देती हूँ क्योंकि तेल ऊपर आएगा इस तरह से। और तब तक मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ, पेस्ट बना के फिर आप लोगों को दिखाई। तो गाइस फिश अच्छे से हो गया है फ्राई, अब इसको निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। पहले सबसे पहले फिश को निकाल लेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कलौंजी, एकदम थोड़ा सा टेस्ट के लिए, इसका खुशबू अच्छा आता है। और दो तीन लहसुन और दो हरी मिर्ची इस तरह बीज में से मैंने काट लिया। इसको डाल के मैं ढक दूंगी क्योंकि ये मिर्ची का बीज है ना ऊपर आता है। अरे जो सरसों का पेस्ट मैंने दिखाया वो मैंने पीस लिया, वो भी डाल दूंगी। इसको ज़्यादा तेल में फ्राई व्राई नहीं करेंगे, अभी इसमें पानी आता है। पानी भी थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। इसको बॉयल आने देते हैं, उसके बाद फिश ऐड। इसको बॉयल आने देते हैं, फिर हरी वाली जो चटनी इधर मैंने पीस के रखा है, धनिया पुदीना और एक हरी मिर्ची लहसुन डाल के मैंने पीस लिया, ये भी इसमें ऐड करेंगे। आज मैं बना रही हूँ सरसों इलिश पुदीना वाला चटनी फिश, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है। ये अच्छे से बॉयल आ गया, अभी इसमें फिश डाल देंगे। फिश को भी थोड़ा सा पकाएंगे ना तो ये अच्छे से हो जाएगा। ऐसा तो इसको थोड़ा सा अच्छे से होने देंगे स्लो गैस पे 2-3 मिनट के लिए, तो फिश भी पकेगा और मसाला भी अच्छे से हो जाएगा। और इसमें जो मैंने हरी चटनी पीस के रखा है 1-2-3 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे, ये भी 2-3 चम्मच डाल देंगे। इसका खुशबू मस्त आ गया एकदम। इसको थोड़ा सा पलटी कर लेते हैं, इसको ढक देते हैं, 2-3 मिनट होने देते हैं। ये जो भी चटनी और ये सब डाला ना थोड़ा सा आराम से हो जाएगा 2-3 मिनट के लिए। तो गाइस फिश एकदम रेडी है, देखिए हमारे चटनी वाली इल्सा एकदम रेडी है, खुशबू मस्त आ रहा है। इसको और पलटी कर देंगे, एकदम रेडी है। ऊपर से डाल देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल और गैस को कर देंगे स्लो, एकदम डन। अब इसको ऑफ कर देंगे। तो गाइस इल्सा एकदम रेडी है, गैस को ऑफ कर देंगे। अगर आप लोगों को इल्सा का रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा। तो आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। गुड नाइट।